नाज़रीन, साल 2020 पूरी दुनिया के लोगों के लिए हादसात और अनोखे वाकयात का साल करार दिया जा रहा है। इस साल ने जहां बहुत सारे लोगों से उनके अपने छीन लिए, वहीं बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको इस साल में होने वाले हादसात के बायस अपने घरों पर अपने रोज़गार से महरूम होना पड़ा। यही सबब है कि दुनिया भर के लोग इस साल को हादसात का साल करार दे रहे हैं। मगर कुछ दिन कबल एक मासूम सी लड़की ने पूरे पाकिस्तान के लोगों पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट बिखेर दी। उसकी दिल मोह लेने वाली बातों और इसकी स्क्रीन पर नज़र आने की खुशी और जोश ने सबको बेसाहता लाइक और शेयर करने पर मजबूर कर दिया और इसकी वीडियो को इतना शेयर किया गया कि वो पाकिस्तान का ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गई। नाजरीन, तफसीलात के मुताबिक एक टीवी चैनल की मेज़बान किसी शो के लिए एक पार्क में लोगों से सवालात पूछ रही थी। वहां उन्होंने एक लड़की को देखकर इससे पूछा कि वो यहां आई हैं और उसको कैसा लग रहा है। उनके इस सवाल के बाद इस लड़की यानी निमरा अली के जवाबात का ना थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ और वो अपनी टीवी स्क्रीन पर नज़र आने की दरीना ख्वाहिश के पूरे होने पर अपनी खुशी को रोक ना पाई और बोलती चली गई। नाज़रीन, आइए आपको दिखाते हैं वो 2 मिनट की वीडियो। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? निमरा अली। निमरा अली, आपको यहाँ कैसे आना हुआ? आज मेरी कज़न हमारे घर रहने आई हुई थी तो वो कह रही थी कि आओ कहीं आउटिंग पर चलें, तो हम आउटिंग पर जा रहे थे, सोचा था हमने कि हम जाएंगे। तो ऐसे रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पर शो देखा, वहाँ पर एक ऐसे ही आए हुए थे रिपोर्टर्स वगैरह और पूछ रहे थे, वो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह गए हुए थे, तो वो कह रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है एक्सेट्रा। तो जब हम यहाँ आने लगे तो मेरे भी जहन में आया, काश हम जाएं तो वहाँ पर भी ऐसे रिपोर्टर्स आए और फिर टीवी पर ऑन स्क्रीन। आई एम सो हैप्पी, टू हैप्पी कि मैं यहाँ आई हूँ और आप लोग यहाँ आए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अभी हम यहाँ से जा रहे थे तो यहाँ पर ना एक यूट्यूब चैनल वाली आंटी खड़ी हुई थी, तो ना उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। तो मैंने कहा, तब मेरी मामा ना ग्राउंड में बैठी हुई थी तो हम ऐसे ना घूम रहे थे, तो ना मेरी बहन कहती है नहीं निमरा नहीं करना। मैं तुम चुप करो, मैं करके रहूँगी, तुम चुप करो, मैं करके रहूँगी। क्या कहते नहीं करना, तुम पीछे रहो। लेकिन फिर भी उसने भी मैंने अपना आधा चेहरा दिखाई दिया। लेकिन ये मेरी खुशकिस्मती है कि आखिरकार तो कैमरे में आना मेरा निकला ही था। जी, अब आप सिटी 42 की स्क्रीन पर नजर आ रही है सब लोग आपकी। ये जो मैं एक स्टोरी भी सुनाऊँ? दो तो सुना। नहीं, मैं एक पॉइंट सुनाने लगी हूँ। पॉइंट चलो सुनो। एक चूजा होता है, उसके ना दो छोटे छोटे चूजे होते हैं, एक का नाम होता है, एक का नाम होता है। जब ना मुर्गा जो है ना, वो जब वो कुबलाता है तो आ जाता है, कुबलाता है आ जाता है, तो ना मुर्गी इतनी परेशान हो जाती है तो ना वो ना डॉक्टर के पास जाती है, वो ना डॉक्टर को जाकर कहती है, डॉक्टर साहब मैं बड़ी परेशान हूँ, मेरे दो बच्चे हैं, इनका नाम मैंने अलग अलग रखा हुआ, लेकिन जब मैं जवाब दिया। मुझे बताएं कि आसमान पर लटका हुआ ऐसा कौन सा मटका जिसमें पानी होता है?
कोई आसान से सवाल पूछे ना। क्या दोबारा पूछ रहे जरा? आसमान पर लटका ऐसा कौन सा मटका है जिसमें पानी होता है? बादल। क्या दोबारा पूछना जरा? मैं दोबारा पूछती रहूं? चले आपसे मैं क्वेश्चन ही चेंज कर लेती हूं। मुझे बताएं कि आसान तो नहीं सा, मैं पैसे ही ना पढ़ाई में बहुत ना लायक पांडी हूं, तो कोई आसान सा सवाल पूछे। मार मार के दुआएं कर करके मैं पास होती थी, तो आसान तरीन सवाल पूछे। क्या चीज है सच्ची में मैं बड़ी मुश्किल से पास होती थी, इतना तो मैं पेपर में तैयारी नहीं करती थी जितना मैं नमाजें पढ़ पढ़ के नंबर ले लिए। अच्छा चले ठीक है, ऐसे कौन सा जानवर है जो मुड़ के नहीं देख सकता? इतना आसान है लेकिन मेरे ना ज़हन में नहीं आ रहा। इससे भी आसान कोई हिंट ही दे दे। अच्छा मुझे बताएं कि जिस पार्क में अभी आप खड़ी हैं इसका पुराना नाम क्या था? आपसे पूछा है? She is my sister. तो same same ना? उसने जवाब दिया, मैंने जवाब दिया। लेकिन आपकी sister कैमरे के सामने तो नहीं आई ना? आई तो आप है ना, credit आप। मिंटो बाग। अब मुझे कोई prize मिलेगा कि नहीं? No. गलत बात है। ठीक है, क्योंकि आपने किसी भी सवाल का ठीक जवाब नहीं। नहीं, कोई आसान सा पूछ ली ना, मुझे कोई tongue twister दे देती, मैं वो बोल देती। tongue twister भी करवाते हैं इनसे। नजर ने नजर को नजर भर के देखा, नजर की नजर को नजर लग गए। नजर की नजर, नजर की नजर। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, कुछ लोगों ने निमरा को मशहूर बॉलीवुड फिल्म जब वी मेट की गीत यानी करीना कपूर से मिला दिया, जबकि पाकिस्तानी अदाकारा यमुना जैदी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से निमरा की मासूमियत की ना सिर्फ तारीफ की बल्कि इनका भी यही कहना था कि इनके ड्रामे इस प्यार के सदक़े को देखकर लोगों ने कहा था कि मैं जबीन जैसी लड़कियां हकीकत में नहीं होती, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो निमरा को देख लें। कुछ लोगों ने इस वीडियो को साल 2020 का सबसे खुशगवार लम्हा करार दिया और ज़्यादातर लोगों ने इस बात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया कि काश वो भी निमरा अली की तरह खुश रह सकते। बहरहाल इस वक्त निमरा सोशल मीडिया का टॉप ट्रेंड है। अल्लाह की सादगी और खुशी को हमेशा कायम रखे, आमीन। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको भी और हमको भी ढेर सारी खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन।